जय हिंद साथियों, मैं कमांडो बिन सर। अभी जितने लड़के और लड़कियां एसएससी जीडी का फिजिकल पास कर लिए हैं, उनका बहुत ही जल्द मेडिकल होने वाला है। या तो जुलाई के लास्ट वीक से शुरू हो जाएगा या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका शुरू हो जाएगा। तो फिजिकल में भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि जो हमारे पास मैसेज किए, फोन भी किए, अपनी गलती की वजह से वो फिजिकल नहीं देने जा पाए। तो मैंने सोचा कि आज आप सबको भी बता दूं कि आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम भी आ जाएगा और आप कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाने के बावजूद भी मेडिकल देने में असमर्थ हो जाएंगे अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे। तो क्या क्या गलती आप कर सकते हैं, किस किस वजह से आप कट ऑफ में नंबर आने के बावजूद भी मेडिकल में नहीं जा पाएंगे, देने आपका मेडिकल नहीं हो पाएगा, उसी के ऊपर हम आप सबको बताना चाह रहे थे। तो सबसे नंबर एक बात की अपने आप को एकदम बहुत अच्छे तरीके से बचा के रखना है, अपने शरीर को, अपने बॉडी को। जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता है तब तक अपने आप को सुरक्षित रखना है। खास करके लड़के अभी उनका फिजिकल पास हो गए हैं और खुशी अपना मना रहे होंगे कि हमारा फिजिकल पास हो गया, हमारा नंबर भी कट ऑफ से ज्यादा बहुत ज्यादा है और हम फाइनल मेरिट में आ जाएंगे, 100% आप आ जाएंगे। लेकिन जो बाइक का स्टंट करते हैं या बाइक बहुत तेज चलाते हैं, बिना हेलमेट लगा के चलाते हैं, आपका जब तक मेडिकल ना हो जाए तब तक आप इन सब चीज से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें, सावधानी रखें। कहीं भी जाते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर आपको चोट ना लगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे, कम से कम मेरे चैनल से ही जुड़ने वाले लगभग 50 लड़के ऐसा फिजिकल के टाइम पे मेरे पास में फोन किया कि सर मेरा फिजिकल का डेट आगे बढ़ सकता है क्या, मैं अभी नहीं जा सकता हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं छत से गिर गया, मैं रोड पे जा रहा था, मुझे साइकिल वाले ने, मोटरसाइकिल वाले ने धक्का मार दिया, चोट लग गया। तो इस तरीके से कार्रवाई आपके साथ भी हो सकती है। आप या तो अपनी गलती से भी अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं या दूसरे गलती से भी आपके शरीर में नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि आपको चोट लग सकता है और आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको मैं बता दूं, जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता है तब तक आप अपने आप को सुरक्षित एकदम रखें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको चोट लगने की संभावना हो। अगर आपको चोट लग जाएगा तो मेडिकल आप नहीं देने जा पाएंगे और मेडिकल का डेट भी आगे नहीं बढ़ता है और फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या स्थिति चल रही है नौकरी का आपको पता ही है, तो कोशिश करिए इसी वैकेंसी में आप क्लियर हो जाएं, आने वाले भविष्य में किस प्रकार से क्या नियम निर्देश नौकरी के बारे में बदलेगा, पल पल की न्यूज आप सब देख ही रहे हैं। तो कोशिश करिए जो लड़के फिजिकल पास हुए हैं, चाहे वो मेरे भाई हो चाहे मेरी बहन हो, आप सब ऐसा कुछ भी काम ना करें जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो जाए। आप सब अपने आप को बचा कर रखें, सुरक्षित रखें जब तक मेडिकल आपका नहीं हो जाता है, और मेडिकल दीजिए और कोशिश करिए भगवान से अपना प्रे करिए जिसको आप मानते हैं, इसी वैकेंसी में आप सेलेक्ट हो जाएं। आगे आने वाले समय में नौकरी को लेकर क्या स्थिति बनेगी, क्या परिस्थिति बनेगी, उसको देखने के बजाय अच्छा है कि आप कहीं सेलेक्ट हो जाएं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस बात के ऊपर गौर करेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और मेडिकल पास होंगे और बहुत जल्द आप ज्वाइनिंग लेटर लेके ज्वाइनिंग हो जाएंगे। मेरा अगर वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो इसको, चैनल पर अगर आप सब नए हैं तो वीडियो को मेरे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमांडो बिन सर, जय हिंद।